नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम था परसेंटेज। आई होप आपको स्टार्टिंग में जो बताई थी बातें वो सारी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। जिन्होंने पहले वाला पॉइंट नहीं पढ़ा है, मैं उनसे चाहता हूँ वो पॉइंट्स पढ़ लें, वो स्टेटमेंट्स पढ़ लें जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे। क्लियर हो रहा है सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? तो जो भी हमने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 कितना परसेंट होता है, तो आपको 100% होता है। 1/2 कितना होता है, 50%। ऐसी सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली है। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज के अंदर, आगे की बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज के अंदर जो आज हम बताने जा रहे हैं। तो सीधे मैं क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ, जिससे तुम्हें सीधी सी बातें क्लियर होती चली जाए सभी को। क्लियर हो रहा है सभी को? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हम परसेंटेज के सीधा ही एक क्वेश्चन पर आते हैं, और पहले ही क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसके साथ का लगा होता है, जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब 50 तो नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, एंड देन ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 50 का डबल हो गया ये, सो 2 × 4, तो आंसर आएगा 4% है। क्लियर हो गया सभी को? 2 × 50 का कितना परसेंट है, 4% है। क्लियर हो गया होगा सभी को? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वीडियो को पॉज करेंगे सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी के सभी कि अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2/3 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 जो है का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिसके साथ का लगा हुआ है, तो का किसके साथ लगा हुआ है आपके पास, 1/3 के साथ, तो 1/3 और ऊपर कौन आ गया, 2/3, समझ रहे हो सारे के सारे, गुणा 100, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 200%। बिल्कुल सिंपल से हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस ले रहे हैं और उनको हम सोल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गई सभी को बात? स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा था जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आएगा, एंड देन उसको सोल्व करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे सभी के सभी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझेंगे, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको समझ लें, फिर यही पॉइंट हम लोग बड़े क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला है पी क्यू के 6 गुना है। पी क्यू का कितना गुना है, बोलो 6 गुना है आपके पास बोला गया है। P is 6 times of Q, क्वेश्चन में ऐसे बोला गया, 6 गुना है। तो इसका मतलब अगर ये 1 है, दोबारा बोलेंगे ये क्या है, 1 है, तो इसका 6 गुना कितना होगा, तो इसका 6 गुना हम करेंगे तो P जो हो जाएगा वो इसका 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को, समझ में आ रहा है? तो पी क्यू का 6 गुना है, तो 6 गुना मतलब अगर ये 1 है तो ये 6 है। क्वेश्चन में अगली लाइन, देन द परसेंटेज दैट क्यू इज लेस देन पी, तो जिसके साथ देन लगा होगा वो तो नीचे आ जाएगा, पी के साथ लेस देन लगा हुआ वो नीचे। अब हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी में बोला गया क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू पी से कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5, तो ऊपर 5 जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, और 5/6 मल्टीप्लाई बाय जब 100 करेंगे तो आंसर आएगा 83 एंड 1/3% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया। अरे सभी को समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बताने जा रहा हूँ, पॉइंट क्लियर तो हो रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन। हम सीधे ही क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में जानी थी, जो आज जुड़े हैं, जो आज ही देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बार देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं फर्स्ट वीडियो जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है, फोर्थ में ऐसा बोला गया है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 केजी, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगेगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब 2 किलोग्राम नीचे आ गया और 65 ग्राम ऊपर जा चुका है। और मैंने कहा क्या यूनिट सेम है, ग्राम केजी वेट की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, भार को यूनिट को भार की इकाई है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर ये ग्राम में है, ये किलोग्राम है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहोगे 1000 ग्राम है, तो मल्टीप्लाई 2 से, अगर 2 किलोग्राम की बात करेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आप लोग सारे से देख पा रहे होंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट। क्लियर हो गया? एंड देन इसको सोल्व करने जा रहे हैं, हमारे पास आया देखो 5 का भाग ऊपर 13 बार, 5 का भाग यहाँ पर 4 बार, अगर हम देखें तो आंसर आएगा इसका 13/4%। आया कि नहीं आया सभी को समझ में? तो ऑप्शन फर्स्ट इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जिससे तुम्हें समझ में है। 300 के 25% का 20% कितना होगा। अच्छा क्या तुम्हें फ्रैक्शन याद है क्या,
बताओ 25% की भिन्न क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/4 होती है। जिनको नहीं पता हो कि सर 25% की भिन्न कैसे निकलेगी, तो परसेंट का चिन्ह लगाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अरे आ गया ना सभी को समझ में, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो आंसर आएगा 1/4। तो इसकी भिन्न होती है 25% की भिन्न होती है 1/4। फिर बोलेंगे 25% की भिन्न 1/4 का 20%, ठीक है ना। देखो का मतलब होता है कि उसका गुणा करना है हम लोगों को। तो जैसे हम लोगों ने कहा इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 नंबर का। क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसको मैं बताने जा रहा हूं। 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है देखेंगे सभी के सभी। 5वें नंबर के क्वेश्चन में बोला जाएगा 300 का 25%, 25% की भिन्न होती है 1/4, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4। फिर मैंने कहा कि भाई का 20%, तो गुणा 1/5। देखो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत होती है ये, इन चीजों को लिखना नहीं पड़ता है, हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो 20 का भाग जाएगा आराम से 300 में कितनी बार, 15 बार, एंड देन ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4th हमारा इस सवाल का आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे सभी के सभी। 25/2 का x% 150 है, x का मान बताइए। 25/2 का x% मतलब x/100 जो कि 150 बताया गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया, 6वां नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। 25/2 का x% जो कि 150 है, आ गया होगा सभी को समझ में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आया देखो 25 चौके 100, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जब x उधर जाएगा तो देख पा रहे होंगे आप लोग 150 को गुणा करूंगा मैं 8 से, 15 8 120, तो आंसर आएगा हमारे पास 1200। तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 1200 आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेगा। एक बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए सभी के सभी। क्या मैं बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या, किसका? 25/2 का x% कितना है बोलो, यहां पर 150 है। आ रहा है सभी को समझ में? अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, ऐसे भी तो बोल सकता था इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये परसेंट का चिन्ह कोई, देखो ये गुणा का चिन्ह है, ये परसेंट का मतलब होता है बटे में सो आना। आप चाहो तो यहां भी परसेंटेज लगा सकते हो कि 25/2% जो है एक्स का 25/2% 150 है। आप ऐसे भी समझ सकते हो सारे के सारे, 25/2 का मतलब 12.5। आ रहा है सभी को समझ में? तो अगर हम लोग ऐसी छोटी मोटी चीजों को ऐसे रिवर्स करना सीख जाएं तो क्वेश्चन काफी आसानी से सोल्व हो जाएगा। 25/2 12.5% हो चुका है सर, 25/2 का मतलब ये हो गया। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे हम सोल्व करेंगे। तो मैं ऐसे डायरेक्टली बोलता कि अगर हमें नॉलेज है तो 150, तो 25/2% है, 25/200% है, तो 100 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो मैं डायरेक्ट कहता 25 की 150, 6 6 दुनी 12 12 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 1200 ही हमारा आंसर हो गया। अरे आया कि नहीं आया सभी को समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया जो मैं बताने जा रहा हूं। अब अगर मेरे को और भी अच्छे से समझना है तो मैं ऐसे बोल देता, देखो 12.5% की भिन्न कितनी होती है, 12.5% की भिन्न होती है सर 1/8। दोबारा बोलो, 12.5% की भिन्न कितनी होती है, 1/8। तो देखो अगर क्वेश्चन को समझना सीख गए हम लोग, क्वेश्चन को ऐसे रिवर्स करना सीख चुके हैं, देखो आंसर सेम आने वाला है तो क्यों ना हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि बोला है 25/2 का x%, ऐसे भी तो बोल सकता था x का 25/2%, 25/2 का मतलब 12.5, और उसकी फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/8। तो मैं कहूंगा अगर कोई नंबर 8 है तो उसका 12.5% 1 होगा। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, कोई नंबर 8 है तो उसका 12.5% 1 होगा। तो मतलब 150 जो वैल्यू है वो 1 की है और मेरे को 8 निकालना है, वह संख्या निकालनी है, तो 1200। मैं ऐसे भी समझ सकता था इस क्वेश्चन को। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है सभी को समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से सारी चीजें आ जाती हैं, हम लोग इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बोला गया है देखेंगे सभी के सभी। 7th नंबर क्वेश्चन देखो सभी के सभी क्या बोला गया है। 7th नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला गया है x की आय y की आय से 20% अधिक है। x इनकम इज 20% मोर देन y's इनकम। x की आय y की आय से 20% मतलब 20% ज्यादा है। कोई बताएगा 20% की भिन्न कितनी होती, तो आप लोग कहोगे सर 1/5। अब बेस में जो नजर आ रहा है उसको देखना है, 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। तो बेस में कौन है बोलो, 5। y अगर 5 कमा रहा है, y 5 कमा रहा है, तो x कितना कमाएगा उससे, एक ज्यादा, 20% ज्यादा, तो उससे एक ज्यादा, तो मतलब 6 कमाएगा। मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, बताओ 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5। तो हम कहेंगे y अगर जिससे, मतलब किससे, y से, तो y अगर 5 कमा रहा है, y कितने कमा रहा है, 5, तो उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा x कमा रहा है, मतलब x 6 कमा रहा है। अब अगर आपसे मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि x की इनकम y की इनकम से 16 से ही 2/3% अधिक है, तो आप लोग कहोगे कि सर इसकी भिन्न कितनी होती है, 1/6। अगर y 6 कमा रहा है
तो उससे एक ज्यादा ये सात कमाएगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, समझ में आया ना सभी को? तो मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, भाई एक्स की इनकम वाई की इनकम से 20% अधिक है, तो मतलब मैंने कहा कि इसकी भिन्न हो गई 1/5, वाई अगर 5 कमा रहा है तो ये 6 कमाएगा। अब क्वेश्चन की अगली लाइन, व्हाट परसेंट इज वाई इनकम लेस देन एक्स इनकम। क्वेश्चन में पूछा है तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो जिसके साथ से लगाया एक्स की आय के साथ, मतलब 6 नीचे 6 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस ऊपर, क्योंकि अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। और बेटा मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 1/6 इज इक्वल टू 16/3%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अरे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सभी को समझ में? तो स्टार्टिंग स्टेज है, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, चाहे तुम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, कैट सीडीएस किसी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो जिसमें परसेंटेज चैप्टर आता है, तो वहां पर इस चैप्टर को आप लोग आराम से क्लियर कर पाओगे। आ रहा है सभी को समझ में? तो मैं जो बता रहा हूँ इन चीजों को समझते हुए चलें। जो भी चीजें हैं सर, ये इतना लंबा प्रोसेस, ये लंबा नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से खत्म कर सकते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि ये तुरंत खत्म हो जाए। 20% ज्यादा मतलब 5 है, 5 से 1 ज्यादा 6 आ रहा है, 20% की भिन्न कितनी होगी, 5 से 1 ज्यादा 6, एंड देन भाई कितना कम है, तो आप कहोगे भाई 6 पर नीचे आ जाएगा, उन दोनों का डिफरेंस ऊपर 1, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व कर देंगे, 1/6 × 100 69 2/3%, इस सवाल का आंसर हो गया बेटा। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये था 7th नंबर का क्वेश्चन। 8th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखेंगे, क्वेश्चन में बोला गया A का 20%, मैं पूरा आराम से लिखने जा रहा हूं, A का 20%, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, बराबर है B का 30% के बराबर है, और ये बेटा बराबर है किसका, C का 1/6। तो क्वेश्चन में कहा है कि बताइए एबीसी की इनकम कितनी है, का रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आप चाहो तो का मतलब गुणा तो होता ही है, आप पूरा प्रोसेस करोगे तो कुछ इस तरीके से ये लाइन तो आपको समझ में आएगी होगी। 20% की भिन्न हम लोग सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में 20% की भिन्न हो गई सर 1/5, तो A का 1/5 बराबर है B का 3/10 बराबर है C का 1/6। मैं एक बार बोलने जा रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, क्या है दोबारा से बोलो, A का 1/5 बराबर है B का 3/10 बराबर है C का 1/6। आप लोग समझ गए होंगे सारे के सारे, इस तरीके से हम लोग इसको बराबर करेंगे, एंड देन बराबर करने के बाद तो क्यों ना मैं कोई एक ऐसी वैल्यू मान लू जिनमें 5, 10 और 6 का, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मुझे तो A का मान निकालना है, A का मान निकालने के लिए कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिनमें 5, 10 और 6 का भाग चला जाए, तो बताओ वो कौन सी वैल्यू होगी। तो आपको इन सबको सर 30 के बराबर कर देते हैं, ये लो मैंने इनको 30 के बराबर कर दिया, तो मैं कहूंगा A का 1/5 अगर 30 है, दोबारा से सुन लीजिए क्या बोला मैंने, A का 1/5 अगर 30 है तो कोई भी वैल्यू हम लोग लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 30 के बराबर करके मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, नहीं तो आप एक भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, 30 नहीं रखना चाहो, एक रखना चाहो तो एक रख सकते हो। तो एक रखोगे तो क्या कहोगे कि A का मान कितना आएगा, देखो 5 वो 1 से गुणा होकर कितना हो गया, A का मान 5 आ जाएगा। मैंने कहा B का मान कितना आएगा, B का मान आएगा सर 10/3, तुम समझते रहे हो ना सारे के सारे। मैंने कहा कि C का मान कितना आएगा सर, C का मान 6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा सुन लीजिए, A का मान 5, B का मान 10/3, C का मान 6। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे तो आ गया 3, तो ऊपर तो 15:10:18, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो एबीसी की इनकम का अनुपात जो आएगा वो हमारे पास 15:10:18, ऑप्शन 4th हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो तुरंत खत्म करना है, तुरंत खत्म करना है, तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है 2, 3, 16, दूसरा ऑप्शन क्या है 3, 2, 12, तीसरा ऑप्शन क्या है 10, 15, 18, और चौथा ऑप्शन क्या है 15, 10, 18। क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करना है, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है सी की जो भी इनकम होगी उसका 1/6, क्लियर हो रहा है सभी को? तो किस में, और ऐसे ए की इनकम जो भी उसका 1/5, इनमें 5 का और 6 का भाग जो जा रहा है, जैसे पहले ऑप्शन में बांध कर बात करते हैं, या फिर हम पहले ऑप्शन में लेके देखते हैं कि लास्ट में सी के लिए 16 है, तो 16 में 6 का भाग तो जा ही नहीं रहा, तो ऐसा उठाओ जिसमें 6 का भाग जा रहा हो। तो जैसे आप कहोगे सर तीसरे ऑप्शन में जा रहा है, तो 18 में 6 का भाग दूंगा, तो मतलब सी को रिप्रेजेंट करने वाली 3 यूनिट, मतलब कहने का मतलब है सी का 1/6, 18 का 1/6 3 आ जाएगा। क्या वही 3 10 का 1/5 आ रहा है क्या? नहीं, 10 का 1/5 तो 3 थोड़ी आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ये तीसरा ऑप्शन तो चला गया। अब आप चौथा ऑप्शन में चेक करो 18 का 1/6 कितना होता है, तो आपको सर 3, क्या 15 का भी वही 1/5 3 होगा का? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या 10 का 30% 3/10 3 हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो गया हमारा काम, तो हम ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर सकते हैं।
आ गया सभी को समझ में? यस और नो? एग्जाम में कैसे पता लगेगा? एग्जाम में बेटा, और जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, टेस्ट पेपर्स देते रहेंगे, तब हमारी ये चीजें माइंड में क्लिक करती है। नहीं तो हम लोग वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैंने आपको अभी भी करके बताया। क्लियर हो रहा है? सब एक मानेंगे, सब सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, हमें प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें ये चीजें समझ में आएगी कि हमें जल्दी से अटेम्प्ट कैसे करना है। पूरा इंडिया एग्जाम देता है तो सारे के सारे जब एग्जाम देते हैं तो सारे के सारे लॉजिक्स लगाते हैं बैठ के, लेकिन जल्दी से वही खत्म कर पाएगा जिसको लॉजिक के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कला आती हो। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है एक्स का 50%, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9th भाई। 50% ऑफ एक्स, एक्स का 50% बराबर है वाई के 30% के। परसेंट है तो बटे में 100 लगा लो, ये लो बटे में 100 लग गया। अब 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। पूछा गया एक्स और वाई का अनुपात, और यहां से आ जाएगा एक्स वाई का अनुपात। देखो तुम समझ गए होंगे, 3/5 एक्स और वाई का अनुपात यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अरे आएगा सभी को समझ में? तो एक्स और वाई का अनुपात 3/5 ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। क्लियर हो रहा है सभी को? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सारे के सारे। अब जैसे तुमको ये क्वेश्चन दिखाई दिया जो अभी अभी हमने किया, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको इसी तरीके से सोल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ए का 12.5% बराबर है बी के 16/3% के, अब इसको सोल्व करना है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन रखो ना यहाँ पर। बताओ ए का 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहोगे 1/8। मैंने कहा कि भाई 16/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहोगे 1/6। और सीधा रेशियो निकालो कि बताओ ए और बी की अनुपात बताइए क्या आएगा, तो 8 ऊपर 6 नीचे, तो 8/6 इस सवाल का आंसर आएगा। 2 × 8 2 × 3 6, तो बेटा वो आंसर आएगा इसका 4/3। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो फ्रैक्शन का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर ही आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 10th नंबर। मैं फिर बोलने जा रहा हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, देख रहे होंगे, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। इफ 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो मैंने कहा कि 10th क्लास का बच्चा क्या कहेगा, माना वह संख्या तो हो गई x, थोड़ा समझ लो सारे के सारे पूरा पैटर्न, माना वह संख्या हो गई है सर x। अरे आया क्या सभी को समझ में? अगर वह संख्या x है तो x के 80% में, x का जो भी 80% निकल के आया, वो लिखा मैंने 80 यहां पर, x के 80% में से मैं जब मैं 80 जोड़ूंगा, मैं फिर बोलने जा रहा हूं, जब x के 80% में 80 जोड़ूंगा तो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो संख्या ही निकल के आ रही है, मतलब x ही निकल के आ रहा है। भाषा क्लियर हुई सभी को जो मैंने बताया? दोबारा बोलो, मैंने क्या कहा, x के 80% में जब 80 जोड़ा तो वो x निकल के आ गया हमारे पास, प्राप्त परिणाम के बराबर ही आता है, संख्या के बराबर ही परिणाम निकल के आता है। मैथड समझ में आया सभी को? अब x का 80% उधर जा रहा है, गौर से देखना, x का 80% x में से माइनस होगा, तो x में से माइनस करने जा रहा हूं x का 80%, ये हुआ माइनस इसमें से, और रिजल्ट आया किसके बराबर है, 80 के बराबर है। अब जब इसमें से माइनस होगा, x में से x का 80% माइनस होगा, तो x का 20% ही बचेगा, बराबर हो चुका है 80 के। अरे आया क्या सभी को समझ? तो x का मान निकल के आएगा 80/, देखो का मतलब होता है, तुम समझ गए, नीचे 20 नीचे, का मतलब गुणा, 20% नीचे मतलब 20% नीचे, बटे में 100 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर होगा 20 का भाग यहाँ 4 बार, तो 400 इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये एक मेथड हो गया इस क्वेश्चन का, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे 10th के अंदर। अरे समझ में आया क्या? लेकिन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो समझना, हर एक नंबर अपने आप में कितना परसेंट बताया था कल, तो आपको हर एक नंबर 100% है, तो किसी संख्या के 80% में 100% बनाना है 100% बनाना है, तो मैं 80% में 20% ही तो जोड़ूंगा, बन जाएगा 100%। मैं फिर बोलने जा रहा हूं जो मैं बताने जा रहा हूं, किसी संख्या को अपने आप में 100% है, उसके 80% में कितना परसेंट जोड़ूं कि वो 100% बन जाए, तो आप कहोगे सर उसमें उसका 20% जोड़ना है। तो आप लोग ये कहोगे कि जब मेरे को 20% ही जोड़ना है, तो मेरे पास ये दिमाग में आ चुकी है बात, ये जो 80 जो जोड़ा है ये तो 20% ही तो है उस संख्या का, और वो संख्या निकालनी है तो गुणा उससे 100 से कर देंगे, वही 20 × 80 आंसर आ जाएगा 400। ये लोग क्वेश्चन खत्म यहां, तो चलो हम लोगों ने सर 100% में से 20% घटा के आराम से कर लिया, लेकिन कल को आ जाए किसी संख्या के ऐसा बोला गया, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में ऐसे बोला गया किसी संख्या के 37.5% में, मैं फिर बोलने जा रहा हूं किसी संख्या के 37.5% में कुछ जोड़ देते हैं हम लोग,
37.5% में मैंने जोड़ दिया, सपोज करो मैंने जोड़ दिया 80 जोड़ दिया, तो संख्या बन जाती है, मतलब एक्स बन जाता है। एक्स के 37.5% में अगर 80 जोड़ दिया तो एक्स आ जाता है। अब आप लोग कहोगे कि सर 37.5% तो है ही वो संख्या अपने आप में। अरे 37.5% तो है ही, अब मुझे 100% बनाना है, तो तुम बताओ 100% बनाने के लिए, 100% बनाने के लिए आप लोग सारे के सारे बताओ कि 37.5% में कितना परसेंट जोड़ो कि 100% बन जाएगा। तो आपको 100 में से 37.5% घटा देंगे, मतलब 65% जोड़ना है सर। तो 80 65% है, 100 निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से भी खत्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 37.5% की भिन्न आनी चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन ये तब तक ही अप्लाई होता रहेगा जैसे अगर सपोज करो यहाँ 30% होता, तो 30% होता तो आसान होता, 100 में से 30 घटाते, 70 की वैल्यू गुणा 100 कर देते। लेकिन यहाँ आ गया 37.5%, तब हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम बताओ 37.5% की भिन्न क्या होती है? तो आपको सर 37.5% की भिन्न होती है 3/8। मैं फिर बोल रहा हूँ 37.5% की भिन्न कितनी होती है, बोलो दोबारा से, 3/8। तो तुम बताओ 8 में, तो अब 8 है उसका 37.5% 3 है, तो 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 हो जाए। फिर बोलने जा रहा हूं 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 8 हो जाए, 3 में मैं कितना ऐड करूं कि 8 आ जाए। तो आप कहोगे सर 5 ऐड कर दो, और जो 80 जो वैल्यू नजर आ रही है ये 5 की है, आ रहा है सर, और गुणा कर देंगे किससे, 8 से। तो देखो 16 × 5 = 80 होते हैं, आ गया होगा सभी को समझ में, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पर जो मैंने समझाया, क्लियर होगी आपको जो बात समझाई है मैंने, हाँ या ना आप लोग रिप्लाई जरूर दे देना, जो भी मैं आपको अभी तक समझा रहा हूँ पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए सभी को। आ गया कि सभी को समझ में जो मैंने पॉइंट समझाया है, यस और नो? इसी तरीके से आपके पास आंसर आएगा, ये 128 हो गए, 16 × 8 = 128, ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी संख्या के 37.5% की भिन्न कितनी होती है, बोलो 3/8। तो 37.5% 3/8 होता है, तो मैं कहूंगा कि भाई 3 में कितना जोड़ूं कि मैं 8 बन जाए, क्योंकि 8 बनाना है हमको, तो 3 में 8 5 जोड़ने पर 8 बने, तो 80 5 की वैल्यू गुणा में 8 से कर दूंगा। हाँ, हम लोग बीच में कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जरूर उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप सोचना चाह रहे हो कि सर अगर पिछला वाला क्वेश्चन 80% में जो हमने सॉल्व किया था, तो क्या 80% की भिन्न बता सकते हो? हाँ, 80/100 मतलब 4/5, 4 में मैं कितना जोड़ूं कि 5 आ जाए, तो आपको 1, तो ये जो 80 है ना, कौन सा 80, 80% में 80 जोड़ रहे हैं, तो 80 तो 1 की वैल्यू है, गुणा मैं 5 से कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 400। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को। मेथड भी समझ लिया और क्वेश्चन को डील भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करेंगे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखेंगे सभी के सभी क्या बोला गया है क्वेश्चन में। दो नंबर है, टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% and 50% ऑफ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज दैट फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। क्वेश्चन में कहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 50% है, तीसरी संख्या का 20% तथा 50% है, देख रहे होंगे क्वेश्चन में अगली लाइन बोली है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो देखो तीन नंबर, फर्स्ट नंबर मान लो, तीन नंबर हमने ए बी और सी मान लिया, मैं फिर बोलने जा रहा हूं ए बी और सी मान लिया, तो फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर बी है, थर्ड नंबर हमारा सी है, या हम लोग रोमन में लिख लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है ना, वो थर्ड नंबर का 20% तथा 50% है। अगर थर्ड नंबर 100 है तो इसका 20% कितना होगा, तो इसका 20% का इसका 20% सर 20 ही होगा। सेकंड नंबर कितना होगा इसका 50%, तो इसका 50% कितना होगा, तो आपको सर इसका 50% 50 होगा। भाषा समझ में आ रही है सभी को? तो इसका 20% 20, इसका 50% 50। क्वेश्चन की अगली लाइन में बोला गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब 20 जो है 50 का कितना प्रतिशत है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सारे समझ पा रहे होंगे, आंसर आ जाएगा सर यहाँ पर 40% है। ये हमारा इस सवाल का जवाब हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को? क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं अब हम लोग, 12 नंबर के क्वेश्चन पर। देखो जैसे ही मैं बता रहा हूं वैसे ही क्वेश्चन को ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% 37% कम है, क्वेश्चन नंबर 12। अब की बार इसका इतना परसेंट नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना परसेंट कम है। तो दो नंबर, तीन नंबर है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें ऐसे बोला गया है ये पहले वाले दो नंबर जो है इससे क्रम से 30% और 37% कम है। तो अगर ये 100 है तो इससे 30 कम मतलब ये 70 है, और 37 कम मतलब ये 63 है।
तो अगली लाइन क्वेश्चन में कहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, मतलब पहली संख्या हमारे पास क्या है, हमारी 70 है, अगर हम देख रहे हैं तो पहली संख्या 70 है और सेकंड नंबर कौन सा है वो 63 है, आप लोग देख रहे होंगे सारे के सारे, मल्टीप्लाई मैं इसको 100 से कर देता हूं एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो जीरो से जीरो तो कटेगा नहीं, यहाँ पर जीरो आ गया और सात का भाग यहाँ नौ बार गया, आ रहा होगा सभी को समझ में, तो आ गया 1000/9। कहने का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से जो है 111 से ही 1/9% है, 111 से ही 1/9% है, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्या आपको आया सभी को जो मैंने बताया है, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, जो 111 से ही 1/9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल जितना सिंपल हो सकता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक विद्यालय में 70% बॉयज है, इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल्स आर बॉयज, एक स्कूल में 70% स्टूडेंट का लोगों का बच्चों का बॉयज है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हो गए, आपको सर 100% हो गए, उसमें से 70% अगर बॉयज है, 70% अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो आपको कहोगे सर 30% गर्ल्स हो जाएगी, आगे ना समझ में, और लड़कियों की संख्या 510 बताई गई है। तो आपसे मेरा सवाल, अगर 510 जो है वो 30% है, कितना परसेंट है बोलो, 30%, क्वेश्चन में कहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या हमें पता है सर 70, तो मल्टीप्लाई बाय 70 से कर देंगे। अरे आया गया सभी को समझ में, देखो 30 का भाग गया, 17 51 होते हैं, 17 बार गया और 17 7 119 होते हैं, तो 1190 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, तो बॉयज होंगे 1190। कल को गर्ल्स पूछता तो सॉरी स्टूडेंट पूछता, टोटल स्टूडेंट पूछता तो 100 रख देते, आंसर 1700 आ जाता, बॉयज पूछा है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बोलो, यहाँ पर 70 रख दूंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हम सोल्व कर रहे हैं 13, आंसर आएगा इसका 1190। क्लियर तो हो रहा है ना सभी को जो मैंने समझाया है, फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ सभी के सभी, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, अभी कह रहा था कुछ देर पहले, क्वेश्चन नंबर 14, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, 75% के बराबर है, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन में पूछा क्या है बताओ, तो बी की आय ए की आय के एक्स परसेंट के बराबर है, बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, कहने का मतलब ये है। तो पहले तो देखो 100 से 100 कैंसिल, 15 5 75 15 4 60, तो आप चाहोगे तो रेशियो निकाल लो, ए और बी का रेशियो आ चुका है सर 5:4, तो बी की आय ए की आय का, बी की आय ए की आय का, तो नीचे तो आ गया 5 ऊपर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व करेंगे तो 80% इस सवाल का आंसर। अरे दोस्तों समझ में तो आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर तो हो रहा है ना सभी को जो मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग सभी ट्राई करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, 15 नंबर क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को ढंग से देख लो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करने का प्रयास करें, नहीं तो मैं अब इस पैटर्न को एक बार समझा देता हूं तुमको अच्छे से। अब यहां पर कुछ समझने वाली बातें हैं, मैं तुम्हें थोड़ा समझाने जा रहा हूं, इस चीज को बेटा ध्यान से समझना, ये पॉइंट ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। प्राइस ऑफ सुगर रेज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ सुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। क्वेश्चन में क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब थोड़ा मैं तुम्हें समझाता हूँ, चीनी वगैरह हमने मार्केट वगैरह से तो खरीदी होगी पक्का, तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर हम बात कर रहे हैं खर्चा निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, थोड़ा समझना पूरा केस समझाने के लिए, मैं पूरा केस समझाऊंगा तुम्हें, खर्चा निकालना है तो मेरे को भाव को, प्राइस को, जिसको हम भाव बोलते हैं प्राइस बोलते हैं, मूल्य को उसकी खपत मतलब कंजप्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, मुझे अगर खर्चा निकालना है, मुझे क्या निकालना है, खर्चा निकालना है तो उस वस्तु के मूल्य जो उसको हम भाव भी बोलते हैं को उसकी खपत से गुणा करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा आ जाएगा निकल के। जैसे मैंने कहा चीनी का भाव चल रहा है 40 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपीज पर क्वांटिटी किसी का भाव होता है, तो क्वेश्चन में कहा है 40 रुपए प्रति किलोग्राम किसी चीनी का भाव है। अगर दुकान से तुम लोग 100 किलोग्राम चीनी खरीदते हो तो तुम देख रहे हो कि भाई वेट तो कैंसिल हो गया, सिर्फ रुपीज ही यूनिट बची, तो 40 को 100 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा 4000 रुपए हमें दे के आने पड़ेंगे उसे।
क्या तुम्हें समझ में आई छोटी सी बात? मैंने तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया, प्रयास क्या है कि खर्चा निकालने के लिए, प्राइस एक्सपेंडिचर निकालने के लिए भाव को, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी खपत से, कंजप्शन से। समझ पा रहे हो सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं? तो मैंने क्या कहा कि खर्चा निकालने के लिए भाव को खपत से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहा है सभी को समझ में? देखो हालांकि क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया होगा, कई जो है जो पढ़ चुके हैं उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें जो भाषा समझाना चाह रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, उसे ढंग से समझ लो आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को और कैसे डील करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, देखो एक बार। तो आप लोगों को क्वेश्चन में कहा है जो भाव है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं प्राइस का, मूल्य का, मूल्य जो है, जिसे मैं मूल्य भी बोल रहा हूँ, भाव या मूल्य जो है वो 20% बढ़ गया, वो 20% बढ़ गया है। भाव जो मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ चुका है? 20% इंक्रीज हो चुका है। क्वेश्चन में क्या है? खपत जिसे मैं कंजप्शन बोल रहा हूं, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें कि जिससे जो खर्चा है वो सेम का सेम बना रहे, समान का समान बना रहे, जो है वही रहे, खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। भाषा समझ में आ गई सभी को? पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। तो तुम बताओ सारे के सारे 20% की भिन्न क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/5, 20% की भिन्न होती है 1/5। ये जो 5 आपको नीचे नजर आ रहा है, ये हमारा पहले भाव था, माना पहले भाव था हमारे पास 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये था पहले भाव। पहले भाव था एक वस्तु का कितना था बोलो? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब भाव कितना है ये बताओ। आप कहोगे कि सर अब भाव जो है वो 5 से 1, तीर का निशान ऊपर है तो 1 बढ़कर हो गया 6 रुपए प्रति किलोग्राम। भाषा समझ में आई जो मैंने बताई है? दोबारा सुन लीजिए, भाव पहले था 5 रुपए प्रति किलोग्राम, अब हो चुका है 6 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन में कहा है कि खर्चा सेम रहना चाहिए, तो अगर खर्चा हमें मानना है तो कोई ऐसी वैल्यू मान लो ना जिसमें 5 और 6 का भाग जाता हो। हमने टाइम एंड वर्क में भी सीखा था, तो वही चीज, 5 और 6 से डिवाइड होने वाली वैल्यू फर्स्ट हो चुकी है 30। बोलो क्या हो चुकी है? 30। फर्स्ट वैल्यू 30 हो चुकी है, मतलब सामने वाले को 30 रुपए पकड़ा रहे हैं। अगर 30 रुपए पकड़ा रहे हैं तो 5 के हिसाब से तुम्हें क्वांटिटी कितने किलोग्राम तोल के देगा? 6 किलोग्राम। मतलब पहले 5 के हिसाब से 6 किलोग्राम दे रहा था, तो अब 6 के हिसाब से वो दे रहा है 5 किलोग्राम। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को मैंने जो बताया? दोबारा समझ लीजिए, पहले भाव कितना चल रहा था बोलो? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब भाव कितना चल रहा है? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। कैसे आया ये फिर से समझ लो। भाव जो बढ़ा है 20%, 20% की भिन्न होती है 1/5। दोबारा से बोलेंगे, 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। पहले भाव 5, 1 इंक्रीज हो गए 6 हो गया। तो मैं कहूंगा 5 और 6 से डिवाइड होने वाली फर्स्ट वैल्यू 30 क्यों ली? क्योंकि खर्चा जो है वो बेटाओ सेम है। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, खर्चा जो है वो बेटाओ सेम है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। मतलब जो पहले खर्च करके आ रहे थे वही अब खर्च करके आ रहे हैं। पहले 100 रुपए पकड़ा के आ रहे थे तो अभी भी 100 रुपए ही पकड़ा के आ रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अब आपसे कहा गया कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 30 रुपए में क्वांटिटी पहले तो ला रहे थे 6 किलोग्राम, 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब 30 रुपए में 5 किलोग्राम। तो क्वांटिटी को ध्यान से देखो सारे के सारे, पहले हम 6 किलोग्राम ला रहे थे, अब हम 5 किलोग्राम ला रहे हैं। तो तुम बताओ भाव घट, ये जो दिखाई दे रहा है कंजप्शन, ये घट गया ना? कितना घटा है? तो कितना घटा है बोलो? 1 किलोग्राम। और हमेशा घटता इनिशियल पर है। इनिशियल कितना है हमारे? प्रारंभिक भाव कितना, प्रारंभिक क्वांटिटी कितनी है? 6। प्रारंभिक पे घटा है तो 1/6। और जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 16 से ही 2/3। इस सवाल का आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया सभी को समझ में? पैटर्न समझ में आया जो मैंने बताया, जो किस तरीके से हम लोगों ने सोल्व किया? तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जो मैंने अभी अभी बताया था, कि खर्चा निकालने के लिए भाव को, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? खपत से, कंजप्शन से। आ रहा है सभी को समझ में? ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए सभी को जो मैंने अभी समझाई है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग और कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले तो तुम्हें ये बताओ, ये वाला पैटर्न समझ में आया? अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। जैसे सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल भी लिया था स्टार्टिंग में, मान लो चीनी का भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। बोलो कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो बताओ 120 में, बताओ 120 रुपये में
चीनी कितनी आएगी, तो आप 120 को 40 से डिवाइड करोगे, आप 3 किलोग्राम चीनी लेके आओगे। आ रहा है सभी को समझ में? अब अगर मैं भाव को बढ़ा दूं, मैं फिर बोलने जा रहा हूं किसको बढ़ा दूं, भाव को, भाव को अगर मैं बढ़ाने जा रहा हूं, मान लो 10 रुपए भाव को बढ़ा दिए, दोबारा बोलेंगे कितने रुपए, 10 रुपए मैंने भाव को बढ़ा दिए, तो अब 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। तो अब उसी 120 रुपए में 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितनी चीनी लेके आओगे, तो आपको 2.4 किलोग्राम। मतलब पहले तो 3 ला रहे थे और अब 2.4। मतलब अगर खर्चा समान रहता है, फिर से बोलने जा रहा हूं, यदि खर्चा समान रहता है तो जब तुम भाव बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम लेके आओगे, और भाव घटाओगे तो क्वांटिटी ज्यादा लेके आओगे। बात समझ में आई क्या? मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब भाव बढ़ाओगे, भाव बढ़ेगा, भाव इंक्रीज होगा, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम लेके आओगे उस 120 रुपए में या उस 100 रुपए में। बात समझ में आ रही है ना, जो मैंने बताया है, जो चीज बोली है। जैसे मान लो तुम किसी को 100 का नोट पकड़ाते हो और 10 रुपए की कोई एक वस्तु आ रही है, 100 का नोट पकड़ाया, 10 रुपए की एक वस्तु आ रही है, तो वो तुम्हें 10 वस्तु देगा 100 रुपए में। आ रहा है? अब अगर वही 100 का नोट तुम अगले दिन पकड़ा रहे हो, लेकिन आज उस वस्तु का मूल्य 20 रुपए है, तो मैं 100 में 20 का भाग दूंगा, तो देखो क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो गई। बात समझ में आई ना, जो मैंने समझाने का प्रयास किया है? मैं ये समझाना चाह रहा हूं तुम्हें कि जब भाव बढ़ेगा, मैं फिर बोलता हूं, मैंने क्या कहा, खर्चा अगर समान है, खर्चा अगर कांस्टेंट है, खर्चा अगर स्थिर है, समान है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाव को जब बढ़ाओगे, भाव को बोलते हैं हम लोग प्राइस ऑफ सुगर, अगर इंक्रीज करोगे तो हमारी खपत जो है ऑटोमेटिक, हमारा कंजप्शन जो है, हमारी यूज करने वाली वस्तु जो है वो कम मिलेगी। और अगर भाव को घटाएंगे, दोबारा बोला, भाव को क्या करेंगे, घटाएंगे, जिसे हम प्राइस बोल रहे हैं, प्राइस को अगर घटाएंगे तो हम कहेंगे हमारी खपत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमारी खपत जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे पहले कोई चीनी 20 रुपए किलो की आ रही थी, 100 रुपए में 5 किलो दे रहा था, अब वही चीनी 10 रुपए किलो आ रही है, तो 100 में देगा 10 किलो, बढ़ गया ना, भाव घटा तो खपत बढ़ गई, हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा आएगी। अरे भाषा क्लियर? कब? जब खर्चा समान है। तो अब अपन इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं कैसे। देखो सारे के सारे, भाव कितना परसेंट बढ़ा, जल्दी से बताओ भाव कितना परसेंट बढ़ा, तो आपको 20% इसकी भिन्न होती है, तो 1/5, मतलब भाव पहले 5 था, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 ये भाव है, भाव अगर 5 से 6, इसको मैं भाव बोलने जा रहा हूँ, भाव अगर 5 से 6, तो खपत 6 से 5, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये एक दूसरे के। भाव अगर 5:6 है, भाव का अनुपात 5:6 है, तो खपत का अनुपात 6:5 होगा। फिर से बोलने जा रहा हूँ, भाव का अनुपात 5:6 है, तो खपत का अनुपात 6:5 होगा। तो कोई खपत 6 थी, 6 से 5 हो गई, तो 1 रिड्यूस हुई है किस पर, 6 पर, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%, ये सवाल का आंसर। अब जैसे मैं अपने आप से एक क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे तुम आराम से इस पॉइंट को समझ जाओ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे एक वस्तु का मूल्य 12.5% बढ़ गया, ये तीर का निशान समझ रहे हो, पी का मतलब प्राइस 12.5% बढ़ गया, सी का मतलब कंजप्शन कितने किलोग्राम प्रतिशत में कम करें, क्वेश्चन मार्क का समझ रहे हो, प्रतिशत में कम करें, ई का मतलब एक्सपेंडिचर वही बना रहे, मतलब सेम बना रहे, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है कि देखो एक ऐसा ही इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया, 12.5% की भिन्न बताओ कितनी होती है, तो 1/8 होती है सर। फिर से बोलो, 12.5% की भिन्न 1/8, तो आप कहोगे भाव 8 से सर 9 हो गया, भाव 8 से 9, मैं फिर बोल रहा हूँ भाव कितना हुआ 8 से 9, भाव अगर 8 से 9 तो खपत जो हो जाएगी 9 से 8 हो जाएगी, खपत कितनी हो जाएगी 9 से 8, कितना रिड्यूस 1, किस पर 9 पर, 9 पर कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 11 सही 1/9%, इस सवाल का आंसर। अब देखो कैसे नहीं याद होगा, मैं बार बार तुमको ये चीजें समझाता हुआ चलूंगा, 12.5% था ये। अब मैं यहां पर लेने जा रहा हूं प्राइस जो है 28 सही 4/7% सपोज करो इंक्रीज हो गया, मैंने फिर बोला प्राइस 28 सही 4/7% बढ़ गया, 28 सही 4/7% प्राइस बढ़ गया, तो कंजप्शन कितना परसेंट रिड्यूस करें, देखो क्वेश्चन वही है सेम, कंजप्शन कितना परसेंट रिड्यूस करें कि एक्सपेंडिचर सेम बना रहे,
अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। अब सर ये बताओ 28 से ही 4/7 याद होगा तो तुम्हें बताया था मैंने 14 से ही 2/7 1/7 होता है, 1/7 की भिन्न क्या होती है जल्दी बताओ, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 14 से ही 2/7%, और अगर मैं इसका डबल करूं तो आएगा 2/7 तो आएगा सर 28 से ही 4/7 ही हमारे पास आएगा परसेंट। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी क्वेश्चन में, नहीं याद तो आपको करना क्या है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 28 7 196 और 4 200 तो ये हो गया 200/7% और 7% है तो फिर बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल मतलब इसकी भिन्न आ गई है 2/7, ये भिन्न हो गई तो 28 से ही 4/7 की भिन्न कितनी हो गई 2/7। तो आप कहोगे कि कोई वस्तु 7 रुपए की आ रही थी तो अब 2 ज्यादा 9 रुपए की आ रही है, ये तो भाव हो गया 7 से 9 भाव हो चुका है तो 9 से 7। अब मैं फिर कहने जा रहा हूं किससे, बोलो 9 से 7 रिड्यूस कितना होगा 2 होगा, किस पर अब की बार 9 पर होगा, कितना परसेंट 100 आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 200/9, तो इसको सॉल्व करना है 2/9 11 से 1/9 होता 22 से ही 2/9 हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अरे भाषा समझ में आएगी जो मैंने बताया 22 and 2/9% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितने ही क्वेश्चन ले सकते हो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। अब चलो मैं भाव को रिड्यूस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कितना ही बना लो आप लोग कितने ही क्वेश्चन बना सकते हो इसमें। देखो मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आया, प्राइस जो है सपोज करो, प्राइस ध्यान से समझना, प्राइस जो है इस बार सपोज करो मैंने कहा कि भाई रिड्यूस करवा देते हैं हम 8 से ही 1/3% रिड्यूस हो गया, भाव अगर रिड्यूस हो गया तो कंजप्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा क्वेश्चन में कहा है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो सेम बना रहे, अभी हम सिर्फ सेम की बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर सेम बना रहे, तो आपका आंसर 8 से 1/3% की भिन्न बताओ सर 1/12 नहीं तो आप ऐसे कर दो 8 या 24 और 1 25/3 बटे में 100 25 चौके 100 1/12 आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में, 8 से ही 1/3% की भिन्न हो गई 1/12, तो आप कहोगे कोई वस्तु पहले 12 की आ रही थी 12 रुपए में एक वस्तु आ रही थी अब आ रही है रिड्यूस हो गया एक, रिड्यूस तीर का निशान नीचे की तरफ है परसेंट कम हो रहा है तो 12 से 1 कम हो के 11 हो गया, तो तुम बताओ देखो 12 से 11 हो चुका है तो इसका मतलब ये तो था भाव और खपत इसकी उल्टी होगी मतलब 11 से 12 इसकी खपत हो जाएगी, तो खपत कितनी आएगी तुम बताओ खपत कितनी आएगी निकल के तो आपका आंसर आएगा सर खपत निकल के आएगी यहां पर एक इंक्रीज हुई है किस पर 11 पर, कितना परसेंट गुणा में 100 तो 9 से ही 1/11% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया सभी को समझ में, धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते रहते हैं ना दोस्तों तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते रहेंगे हो जाते हैं, कैसे कि डायरेक्टली हम लोग एक तो ऊपर रखेंगे ही ठीक है ना, जब कम हो रहा है तो नीचे 12 में से एक ये जो ऊपर वाली वैल्यू इसको कम कर देंगे 1/11 9 से 1/11 आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया तो देखो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने लिखा 14 से ही 2/7% आप लोग सीधा सोल्व करोगे कंजप्शन को कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट रिड्यूस करें, क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंसेस है वो सेम रहे तो मैं कहूंगा इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7 तो ध्यान रखना आपकी बार इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर आएगा एक तो ऊपर आएगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो बटे में 8 × 100 तो आंसर आएगा 12.5%। देखो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने आप चीजें तुरंत खत्म होते जाएंगे पॉइंट तुरंत हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आपको फ्रैक्शन आने चाहिए, फ्रैक्शन लिखते जाओ कितने ही फ्रैक्शन लिखो, मैंने लिखा जैसे यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन लिखा जैसे मैंने लिखा 7 से ही 1/7% भाव जो है 7 से 1/7% रिड्यूस हो गया तो कंजप्शन कितना परसेंट कम बढ़ाएं कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाएं कि खर्चा जो है वो सेम बना रहे। तो अब देखो तुम लोग बात को पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे, विद इन मिनट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा लेकिन इसके लिए फ्रैक्शन आना चाहिए, तो बताओ कितनी होगी इसकी फ्रैक्शन 1/14 जब डिक्रीज हो रहा है तो नीचे तो आएगा देखो ऊपर तो 1 बना रहेगा नीचे हो जाएगा इनका डिफरेंस दोनों का 13 तो 1/13 × 100 आंसर आ जाएगा 7 से ही 9/13% क्वेश्चन खत्म। अरे आ रहा है क्या समझ में, ऐसे लिख के फिर वापस नहीं करने की जरूरत, डायरेक्टली हम लोग अब खत्म करना सीख चुके हैं। आ गया सभी को समझ में जो मैंने बताया, पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने आपको समझाया यहाँ तक, ये आज की जो क्लास में अब तक का जो पॉइंट बताया है वो क्लियर हो गया। चलो जाते जाते एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जिससे तुम्हें पॉइंट समझ में आ जाए, तो अगला एक और पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं इसको समझ लो सारे के सारे। अरे समझ में आ रहा है ना, एक और पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ उसे ढंग से समझ लीजिए जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। भाई बिल्कुल यूं के यूं एक क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 37.5% ले लिया, चलो
तो बताओ इसको 37.5% इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन को कितना परसेंट यहां पर रिड्यूस करें जिससे खर्च सेम बना रहे। अरे आ रहा है क्या समझो, इसकी फ्रैक्शन बताओ। इसकी फ्रैक्शन होती है सर 3/8, तो मैंने कहा था 3 तो ऊपर बना रहेगा, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को जोड़ दो, डिक्रीज हो रहा है तो दोनों को घटा दो। तो 3 में 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 11 गुणा में 100, तो 1/11 होता है 9 से 1/11, 3/11 हो जाएगा 27 से 3/11% खपत जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर मैं ये समझ रहा हूं, आज के जो 15 क्वेश्चन तुमको समझाए हैं, आज के जो मैंने पॉइंट क्लियर कराए हैं, ये सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अरे आए हैं या नहीं आए सभी को समझ में, भाई दबा के लोगों को बताओ यार। मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छे से शेयर करवाओ, जो भी हो सकता है बच्चों को बताओ कि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।